तो दोस्तों और डिजिटल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं घरेलू प्रयोगों में गंवार फली के गुणों से आपको परिचित कराता हूँ। गंवार फली एक हफ्ते से आने लग गई है और गंवार फली की सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। घर घर में खाई जाने वाली खास सब्जियों में गंवार फली एक है, जिसकी खेती देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर की जाती है। यह सब्जी औषधीय गुणों से भरपूर है। गंवार फली का वानस्पतिक नाम शामोपिक्स टेट्रागोनोलोबा है। इसका फायदा, गंवार फली में कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी होते हैं। ये भोजन में अरुचि को दूर करके भूख को बढ़ाने वाली होती है। इसके सेवन से मांसपेशियां मजबूत बनती है। गंवार फली में प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है जो सेहत के लिए लाभदायक होता है। गंवार फली मधुमेह के रोगी के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये शुगर के स्तर को नियंत्रित करती है, पित्त को खत्म करने वाली है। गंवार फली की सब्जी खाने से रतौंधी का रोग दूर हो जाता है। गंवार फली को पीस कर पानी के साथ मिलाकर मोच या चोट पे लगाने या लेप करने से आराम मिलता है। गंवार फली स्वाद में मीठी एवं फीकी हो सकती है। ये पाचन में भारी होती है थोड़ी। ये शीतल प्रकृति की है और ठंडक देने वाली है, अतः इसके ज़्यादा सेवन से कब की शिकायत हो सकती है। परंतु गंवार शुष्क क्षेत्रों के लिए एक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन है। गंवार फली डायबिटीज के रोगी के लिए भी लाभदायक है। ये शुगर के स्तर को नियंत्रित करती है, पित्त को खत्म करती है। गंवार फली की सब्जी खाने से रतौंधी ठीक होती है। गुजरात के आदिवासी इसकी फलियों को सुखाकर चटनी तैयार करते हैं और डायबिटीज के रोगी को 40 दिनों तक दिन में 4 बार प्रतिदिन देते हैं। इनका मानना है कि ये काफ़ी फायदेमंद है। कच्ची फलियों को चबाया जाए, ये मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक होती है। आदिवासियों का मानना है कि फलियों के बीजों को रात भर पानी में डुबोकर रखा जाए, अगले दिन उसे कुचलकर सूजन, जोड़ दर्द, शारीरिक भागों पर लगाने से लाभ मिलता है। इसकी पत्तियों का रस लगभग 4 चम्मच से 3-4 कलियों के रस में लहसुन को मिलाकर लिया जाए तो दाद, खाज और खुजली वाले अंगों पर लगाया जाए तो आराम मिलता है। कच्ची फलियों को पीसकर इसमें टमाटर और धनिया की पत्ती को डालकर चटनी तैयार की जाए तो प्रतिदिन सेवन की जाए तो आँखों की रोशनी अच्छी होती है, तेज होती है और लगातार सेवन से कई बार चश्मा भी हट जाता है। गंवार फली की सब्जी खाने से रतौंधी का रोग ठीक होता है। पीस कर पानी में मिलाकर मोच या चोट वाली जगह लेप करने से आराम मिलता है। देखिए, ये जो गंवार फली है ये एक बहुत कीमिया सब्जी है। अभी हरी आ रही है, अब यहाँ तो इतनी बड़ी कर देते हैं, उधर रेतीले इलाकों में ये पैदा होती है तो इसकी छोटी छोटी फलियों को
तोड़ करके और वो एक मेरा जान से ख्याल है बॉइल्ड करके ही उसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और रख देते हैं। वो बहुत महंगी बाज़ार में बिकती है और आपका जब मन करे ग्वारफली जब सीजन ख़त्म हो जाए तो 12 महीने में कभी भी आप अपने घर के अंदर उसकी सब्ज़ी बना के खाएं, एकदम हरी हो जाएगी जब सब्ज़ी बनेगी, वैसे एकदम हरी हो जाएगी और इतनी टेस्टी और जायकेदार सब्ज़ी बनेगी कि आनंद आ जाएगा। ग्वारफली जो सूखी हुई ग्वारफली होती है उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। इसी तरह से अभी सांगरी का भी मौसम है जो खेजड़े के पेड़ पे लगती है, तो सांगरी को भी छोटी छोटी तोड़ करके सूखा करके और 12 महीने के लिए रख देते हैं, उनकी सब्ज़ी बना के खाते हैं। सांगरी बहुत महंगी सब्ज़ी है और बहुत ही 5 तारा होटल में खाने वाली सब्ज़ी है। तो ये कुछ सब्जियां ऐसी है जो हरी भी काम आती है और सुखाने के बाद में भी इनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको एक सब्जी से और परिचित कराता हूँ, आपने शायद काम में नहीं ली होगी, उसको बोलते हैं खेलरा की सब्जी। खेलरा ये देसी नाम है, मैं नहीं जानता यहाँ क्या कहते हैं। तो इसमें जो तरबूज और खरबूज के जो उनका गूदा तो खा लेते हैं और उनके जो नीचे का छिलका होता है उनको धूप के अंदर सुखाया जाता है तो वो सिकुड़ के छोटे छोटे हो जाते हैं, उसको खेलरा बोलते हैं। सूखने के बाद 12 महीने भी ख़राब नहीं होता, तो कभी इच्छा हुई तो खेलरे की सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। तो कुछ हरी सब्जियों की जो ड्राई सब्जियां बनती है, इसी तरह अभी टिंडी आ रही है तो टिंडी को अभी भरवा टिंडी बना के खाओ, बहुत बढ़िया स्वाद होता है और टिंडी के भी इसको सुखा करके और बॉइल्ड करके सुखा करके और इसको रख देते हैं तो 12 महीने के अंदर जब भी इच्छा हो तो उसकी सब्ज़ी बना के खाओ, बहुत टेस्टी बनती है, वैसी की वैसी बन जाती है। तो ये 5-10 ऐसी सब्जियां हैं जो हरी भी स्वाद लगती है, वो सुखाने के बाद फिर हरी बन जाती है और पौष्टिकता से भरपूर होती है और खाने के अंदर बड़ी स्वाद लगती है। अभी ये जो कोरोना का संकट है तो इसमें बाज़ार रोज जाके सब्जी लाना करना बैठता नहीं है, तो हम लोग अक्सर है कभी सांगरी की सब्जी बना लेते हैं, कभी सूखी, अभी तो गीली फलियां आ रही है, नहीं तो सूखी फलियों की सब्जी बना लेते हैं, खेलरे की सब्जी बना लेते हैं, इसी तरह दाल की सब्जी बना लो, इसी तरह ये काले चने आते हैं इनकी सब्जी बना लो। कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो अपने रसोई और अपने स्टोर में हैं, उनकी आप सब्जी बना के खाएं, दाल खाएं, ये नहीं कि सब्जी लेने के लिए आप बाज़ार जाएं, क्यों रिस्क लें। इसके अलावा दूध मिलता है, दूध देने वाला आ जाता है, तो आप कड्डी बनाइए, सुबह के टाइम कड्डी बनाइए, रायता बनाइए, रोटी को उसमें चूर के खाइए, आदत डालिए अपनी। शाम को बढ़िया लहसुन डाल करके और 2-3 दालें मिक्स करके
और उनमें चपाती से खाओ तो पूरा पेट भर जाता है, तृप्ति हो जाती है। तो एक कहावत है कि खुद की जलाई और दूसरे की बुझाई समान होती है। ये होटलों का बच्चे खाना कभी लेके आ जाते थे, अब तो अभी तो बंद है, तो वो इतना पसंद करते हैं ये आजकल की पीढ़ी के लड़के। जबकि मैं उनको देखता हूँ प्लेट को तो मेरे को उल्टी हो जाती है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने आज तक भी होटल की पनीर की सब्जी नहीं खाई। अरे लपटिया लपटिया साग करते हैं, हर सब्जी का ही लपटिया करते हैं, खुली सब्जी होनी चाहिए। लेकिन अब फैशन ऐसा ही हो गया, आजकल की नई पीढ़ी की पसंद ही ऐसी हो गई, जिस चीज को हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं वो देखने में अच्छी नहीं लगती, उनकी ये सब्जी बना के खाते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए पता नहीं बाजार से क्या आता है क्या नहीं, हम नाम नहीं जानते। वो दूध में खाते हैं तो जैसे बकरी की मैंगनी होती है ना, ऐसी होती है, और बहुत महंगे भावों में लाते हैं, हमें देखने से भी घृणा होती है। और ये कि ये मैगी बच्चों को खिलाती है, तो मेरे सामने मेरी पोती पोता को अगर मैगी खाता तो मैं उठ के चला जाता हूँ। वो जब यूँ खाते हैं ना तो मुंह से जो लटकते हैं ना, तो मुझको ये बारिश के अंदर जो केंचुए होते हैं ना, मुझको यूँ लगता है कि ये मैगी नहीं ये केंचुए खा रहे हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, केक खाते हैं, अरे कितने चाव से केक खाते हैं, क्या है उस केक के अंदर, मैदे ही मैदे का होगा या जाने क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं। दोस्तों मैं काफ़ी बोल चुका, अपना खान पान जो है उसको देसी रखें। रात की रोटी बनी हुई आप सुबह खा लेंगे तो अमृत के समान है, कोई नुकसान नहीं करती है। और ये डबल रोटी, इसको क्या फास्ट फूड बोलते हैं क्या बोलते हैं, इनको बच्चों से बचाओ बच्चों को, लेकिन नहीं बच सकते, क्योंकि जब उनकी माएँ ही ला कर के उनको देती है तो बच्चे क्या करें। कसूर बालकों का नहीं है, उनके अभिभावकों का है, उनके माता का है, उनके पिता का। नए नए एड देख करके बच्चे कहते हैं ये लेके आओ तो वो फौरन लेके आती है, उसकी जगह उनको समझाना चाहिए इनमें जहर मिला है, इनमें वो गलत चीज़ मिली है, इसमें अंडा मिला है, इसमें वो मिला है, वो कुछ नहीं। बस अब तो सब आदमी नकली पैदा होंगे भाई, तो निरोग कहाँ से रहेंगे। घी दूध मक्खन छाछ रायता कड्डी ये कौन खाएंगे, इनको कोई नहीं खाता है, और सब नकली नकली हो गया। क्या दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन गया, अब इसको सब्सक्राइब कर दो। हाँ।